तो स्वागत दोस्तों आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा लोगो है आपका, जो कि आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें जो मटेरियल है वो मैंने सभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और तो चलो दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर ए के बटन पर क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पर ए बी फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉन्ट का लिंक दे रखा है, आपको उसको यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करके उसको यहाँ पर प्लस कर लेना है, वो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और प्लस होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर आई के बटन पर क्लिक करना है और जो भी आपके चैनल का जो फर्स्ट नेम है उसका आपको पहला अक्षर यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि मेरा चैनल का नेम अंकित मोर, तो मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ। और अब आपको यहाँ पर ओके पर सिलेक्ट कर देना है। अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा आ जाएगा, आपको इसको ऐसा कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अभी आपको आप यहाँ पर पैडिंग दिख रहा होगा, इसको आपको लेफ्ट में भी थोड़ा इतना कर देना है और राइट में भी इतना आपको सिलेक्ट कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर टिक के निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको पीछे अंदर है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका जैसे कि मेरा चैनल का नेम अंकित मोर, तो आपको अपने चैनल का जो सेकंड नेम है उसको आपको ले लेना है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट हो गया है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर आ जाना है और शेप्स पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है और अब आपको यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही कम कर देनी है और इसका जो स्ट्रोक है वो आपको यहाँ पर ऐसे कर देना है। और आपको यहाँ पर इसका स्ट्रोक है जो कलर उसको सफ़ेद वाइट है जो दे देना है, कलर वाइट कलर आपको यहाँ पर दे देना है और अपने हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट यहाँ पर कर लेना है। अभी यहाँ पर इसके जो साइज है वो थोड़े ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ पर कर लेना है। और आपको कुछ इस प्रकार से इसको सेट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पर नीचे जो टिक का निशान दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और इन तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके ये जो सारी चीज़ है ये आपकी एक साथ जुड़ जाएगी, अब आपकी नहीं हिलेगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ए पर फिर से यहाँ पर आ जाना तीसरे नंबर पर, और अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट ओवर पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट ओवर का लिंक दे रखा है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ओवर दे रखी है, आपको उसको डाउनलोड कर लेने हैं। आप उस टेक्स्ट ओवर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर टिक देना है और ये टेक्स्ट ओवर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर ये टेक्स्ट ओवर सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको स्टॉक दे देना है, स्टॉक, और स्टॉक को इनेबल कर देना है यहाँ पर, और मैं इसको एक पर रख देता हूँ। और स्टॉक इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी शैडो पर जाना है और इसको शैडो भी आपको यहाँ पर दे देनी है। और शैडो देने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर इनर शैडो पर जाना है और इनर शैडो को भी यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। इनर शैडो आपको यहाँ पर लाल रंग की यहाँ पर रख देनी है और इसकी ब्लू रेडियस है जो यहाँ पर 2 पर आपको रख देना है। 2 पर रखने के बाद आपके जो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखने लग जाएगा आपका लोगो। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर है जो क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ पर जो कलर है इस पर आपको क्लिक कर देना है और कलर आपको यहाँ पर ब्लैक ले लेना है।
दोस्तों आप देख सकते हैं आपका लोगो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आप ऐसे अपने लोगो है जो वो बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है और अब आपको इसको अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना है। और ऐसा करने के बाद दोस्तों ये आपका इमेज है जो वो 1-2 सेकंड में आपकी गैलरी में है जो वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपकी गैलरी में